अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कोफ्तों की रेसिपी, जिसके लिए मैंने एक किलो गोश्त ले लिया है। इसको हम पीस लेंगे। चने की दाल ली है आधा कप ही लिए हैं चावल, कुछ गरम मसाला लिया है, लहसुन के जवे। इन सभी चीज़ों को भी पीस कर गोश्त में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गोश्त को छोटे पीस में कट कर लेंगे, जिससे ये ईजिली पीस जाएगा। गोश्त पीसने से आधा घंटा पहले चावल और चने की दाल को भिगो देंगे, जिससे कि आसानी से पीस जाए। एक प्याज, कुछ हरी मिर्च बारीक कट कर लेंगे। देखिए इतना बारीक काट लेंगे। हरी मिर्च प्याज डाल दिया है, पिसा हुआ गोश्त डालेंगे, चने की दाल डालेंगे, ये भी पीस ली है। चावल भी डालेंगे पिसे हुए। नमक एक चम्मच, लहसुन और गरम मसाला भी डालेंगे। अब सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी पिसी हुई मिर्च भी डालेंगे। अब देखिए थोड़ा थोड़ा सा मिक्स लेंगे और इस तरह से बॉल बना लेंगे। नमक मिर्च आप जितना लाइक करते हैं इतना ही डालें। इस तरह से बना लें आप। अगर आपके पास हरा धनिया अदरक है तो आप वो भी बारीक काट कर इसमें मिक्स कर लें। अब गर्मी का मौसम है, मार्केट में अच्छा नहीं आ रहा है, तो मैं इसीलिए नहीं डाल रही हूँ। सभी कोफ्ते बना लिए हैं। सभी कोफ्तों को फ्राई करने के बाद शोरबे के लिए मसाला तैयार करेंगे। देखिए सभी कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। डालने के बाद आप इस तरह से हिला दें, इस तरह से ये टूटेंगे भी नहीं। चावल और चने की दाल से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं कोफ्ते और सॉफ्ट भी बनते हैं। अब हम मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने चार बड़े प्याज, लहसुन, गरम मसाला पीस लिया है। इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर, एक छोटा चम्मच नमक, एक चम्मच ही धनिया पाउडर। दो बड़े चम्मच तेल डालने के बाद हम ये अब मसाला डालेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। दो छोटे चम्मच दही डालेंगे, इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए मसाला भून चुका है, इसमें कोफ्ते डालेंगे। कुछ देर बाद इस तरह से पलट देंगे, दोनों साइड से कर लेंगे इनको अच्छी तरह से। दो कटोरी पानी डालेंगे शोरबे के लिए। अच्छी तरह से उबाल आने तक इनको पकाएंगे। 10 मिनट पकते हुए हो चुके हैं, अब हमारे कोफ्ते तैयार हैं। देखिए कितने अच्छे हमारे कोफ्ते बने हैं, आप भी ज़रूर बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।